दोस्तों आपने इमेजिन टीवी का शो बाबा ऐसो वर ढूंढो तो देखा ही होगा। फिर तो आपको इस शो की हीरोइन भारती तो याद ही होगी ना। कैसे कम हाइट की वजह से उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारती के इस किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री ने बड़ी खूबसूरती से किरदार को निभाया और लोगों से तारीफें हासिल की। लेकिन दोस्तों आप इस अभिनेत्री के बारे में तो सब जानते हैं, क्या इनके पति और बच्चों के बारे में जानते हैं कि कौन है, क्या करते, कैसे दिखते हैं? अगर आप इनके पति और बेटे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के एंड तक बने रहना। साथ ही अपने फेवरेट भारती के लिए वीडियो को लाइक तो बनता है ना। बाबा ऐसो वर ढूंढो में भारती का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम जूही असलम है, जिनका जन्म 8 अक्टूबर 1990 को शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक सरकारी स्कूल से की, बाद में यूपी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस में डिग्री हासिल की। अगर बात करें स्ट्रगलिंग करियर की तो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब बाबा ऐसो वर ढूंढो के कास्टिंग कोऑर्डिनेटर ने इन्हें कॉलेज के बाहर देखा तो सीधा इनके पास गए और उनके शो में काम करने के लिए ऑफर दे दिया, और काफी मनाने के बाद इन्होंने इस शो के लिए हाँ कर दी। इस तरह साल 2010 में इन्होंने बाबा ऐसो वर ढूंढो में भारती का किरदार निभाकर अपने करियर की शुरुआत कर दी और देखते ही देखते अपने भारती नाम के किरदार से फेमस हो गई। अगर बात करें इनके पति और बेटे के बारे में तो इनके पति का नाम करीम है, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है, जिनसे इन्हें एक बेटा रहीम है। अगर बात करें जूही और करीम की लव स्टोरी की तो ये दोनों बचपन से काफी अच्छे दोस्त थे। जल्द ही इनकी यही दोस्ती प्यार में बदल गई। तब करीम को इनके छोटे कद को लेकर कोई भी परेशानी नहीं थी, जिसके बाद दोनों ने अपने परिवार की सहमति से देर न करते हुए शादी कर ली। वर्तमान में 6 साल हो गए इनकी शादी को। आज भी दोनों में बेइंतहा प्यार देखने को मिलता है। शादी के इस सुहाने सफर में ये दोनों एक प्यारे से बेटे के माता पिता बने, जिसका नाम रहीम है, जो अभी 1 साल के हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो दोस्तों आपको भारती का छोटा सा परिवार कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और टीवी से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।